हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं बोटोक्स ट्रीटमेंट, जो कि है क्रोन का, इसको हम प्रोबोटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले शैम्पू लेंगे। ये शैम्पू लिया है मैंने क्रोन का, ही सेम क्रोन का है प्रोबोटोक्स शैम्पू। शैम्पू अच्छे से प्रॉपर शैम्पू करना है, प्रॉपर मल्सीफाई करना है शैम्पू को, अच्छे से करना चाहिए शैम्पू। ठीक है, उसके बाद शैम्पू करने के बाद कम से कम 5 मिनट हमको छोड़ना है और ये 2 बार शैम्पू करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस 2 बार। ये प्रोडक्ट है क्रोन का, और इसके साथ ये स्प्रे है। स्प्रे हम जो बहुत ज़्यादा फिर्जी, बहुत ज़्यादा डैमेज या कलर्ड हेयर हैं उनके लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमने शैम्पू करने के बाद में टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद देखो, पूरा अच्छे से टॉवल ड्राई करके मैंने ये स्प्रे ले लिया। स्प्रे लेने के बाद अच्छे से पूरा, जिधर भी देखो ज़्यादा डैमेज है, ज़्यादा कलर्ड हेयर है ना, उधर स्प्रे कर रहा हूँ मैं, टॉप में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ नीचे ही स्प्रे करना है, अच्छे से प्रॉपर स्प्रे करो। उसके बाद में फिर ड्राई करो, ड्राई कर लो इसको 80-90% ड्राई करो, 100% का ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है इतना ग्राम चाहिए या कितना, अपने हिसाब से ले सकते हो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत पतला पतला सेक्शन में, छोटा छोटा सेक्शन में अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, देखो मैंने बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लिया है, जाइए तो बाद में ले सकता हूँ मैं। अभी मैंने ये सेक्शन निकाला है, सेक्शन निकालने के बाद में अच्छे से थोड़ा सा लेके, थोड़ा प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रोडक्ट ये लगा दिया, थोड़ा प्रोडक्ट अच्छे से, उसको प्रोडक्ट लगाने के बाद देखो अच्छे से प्रॉपर मल्सीफाई करो। प्रॉपर मल्सीफाई करने के बाद में कोई भी, देखो कोई भी बाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ऐसा रह जाए। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको क्लीन रैप कर दो या सवर कैप लगा दो और छोड़ दीजिए 1 आवर। उसके बाद में वॉश नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ड्राई करना है, 1 घंटे बाद ड्राई करो। पहले नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल कूल एयर से करो, फिर मीडियम एयर से करो, उसी से हम इसको 70-80% ड्राई कर लो, थोड़ा सा मॉइस्चर रहने से भी चलेगा। फिर प्रॉपर आयनिंग करो, प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉपर आयनिंग करो, अच्छे से आयनिंग करो। आयनिंग में कम से कम 13 से 15 पासेस आपको कंपलसरी देने हैं, नहीं तो बाल में ना वेव रह जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, पूरा अच्छे से ये देखो आयनिंग के बाद में ऐसा हो गया, इसको छोड़ दो 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के बाद में फिर रिंस आउट करो। ये टाइम पे ध्यान रखना है, शैम्पू नहीं करना है इस टाइम पे। ओनली हम लोग को क्या है, ये मास्क लगाना है। देखो ये मास्क है इसका हाथ में, यही लगाना है। मास्क लगा के भी 5 से 10 मिनट छोड़ना है, कम से कम 5 और 10 मिनट भी कोई बात नहीं, छोड़ दो आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद रिंस आउट कर दो, फिर ड्राई करो। ड्राई अब कूल पे मीडियम कैसे भी चाहिए वैसा कर लो अच्छे से। ये देखो उसके बाद ये हमारा कितना प्यारा रिजल्ट आया, एकदम परफेक्ट रिजल्ट, कितना प्यारा रिजल्ट है। देखो स्ट्रेट भी कितना आया, पूरा ड्राइनेस डैमेज।